बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हलीम ते तुसां तक्की रहो अपना यूट्यूब चैनल हलीम व्लॉग्स। उम्मीद है सारे जनों ठीक ठाक हो सो ते अल्लाह ने हिफ्ज़ो अमान च सो। दोस्तों ते अज ना व्लॉग कोई अगे पिछे फिरने थोड़ने पर नहीं है ते ना कि असां उत्थों की कोई खास जगह विजिट करा सकते हैं ना कोई दरबार वगैरह जा सकां। अज जो व्लॉग है खास ट्रेंड अजकल चली रहा, सुबह में इंस्टा ओपन किया उत्थे भी तकरीबन इक्कै पोस्टां लगियां सन सिद्धू मूसेवाला। इस तरह फेसबुक चेक की उत्थे सेम ही ट्रेंड चल रहा सी। व्हाट्सएप लोगों ने स्टेटस चेक किए तकरीबन सेम ही चीज़ सी सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला कौन है क्या आ ये तुम शायद जानने या सो, लेकिन अगर जो नहीं जानने उन्होंने असं दसने। सिद्धू मूसेवाला एक जरा सी पंजाबी सिंगर है, इंडियन पंजाबी, तो उसने गाने वगैरह काफ़ी वायरल हुए। परसों किसी उसी के अचानक कत्ल पेश हो तो आसने जो पाकिस्तानी आवाम है इन्होंने इंसानियत ने इतना दुख है कि जब कोई काफिर मरना है या गैर मुस्लिम मरना है तो अस सारे एक अपने अंदर हमदर्दी जज्बा किन तक बेच जाने। लेकिन इे जज्बा जो कोई पाकिस्तानी हैपन हो जाना ऐसा या कोई पाकिस्तानी शहीद हो जाना या कत्ल हो जाना उस टाइम आई जज्बा असने बिल्कुल मध्यम पे जाना। चंद दिन पहले तुम्हें याद हो सी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक मुकदमा चलिया सी यासीन मलिक ने नाइना। यासीन मलिक कौन है शायद तुम इसका इलम ना हो सी कि हाँ कि असने जो मौजूदा सोशल मीडिया है इस वक्त सिर्फ अस इंडियन सिंगर इंडियन जो एक्टर्स होने उन्होंने फॉलो करने बाकी अस अपने जो असल हीरोइन अस उन्होंने फॉलो नहीं करने। यासीन मलिक अगर तकिया जाए तो एक असल असल हीरो है तो जिस कश्मीरी आजादी हाथ जदोजहद की है 1073 वाली वो बंदा जेल से सिर्फ इस वजह तो गया कि हमेशा आजादी का खुदमुख्तारी नारा लाना सी। तो लेकिन असल मीडिया बिल्कुल संबंधी कवरेज नहीं दी रहा सोशल मीडिया पर असल जाता है तुसा जो बंदे इंडियन सिंगर की मौत पर तो काफी वायला करी दें लेकिन अपने कश्मीरी हीरो की खातर कोई आवाज नहीं उठाई रहे। दुख सिर्फ इस चीज ने कि असल कल तू तकरीबन हर जगह सिर्फ इे पोस्ट लगी सिद्धू मूसेवाला सिद्धू मूसेवाला। अक्सर बंदे ये आने जी कहते मैं तक असल मुसलमान भैन भरा ने जे आने पर कि अल्लाह तला उसकी मकफरत फरमाए तो हदीस ने मफहूम है कि काफर तो तुम कदम मकफरत की दुआ नहीं कर सकते हो। लेकिन असान एक कम इलमी है जिसकी वजह तो अस दुआ भी करने पे हैं अल्लाह सारे की हदायत ता फरमाए। तो बाकी जितने तक सिद्धू मूसेवाले की गल अक्सर बंदे आने जी खालिस्तान जरा वो एक अलग रियासत कायम करना चाहते थे उसने तहरीक शुरू की थी। तो उसकी तहरीक शायद असने पाकिस्तानी लोगों की यह नहीं पता कि तहरीक क्या है। उसने तहरीक ने जरा असल मरकज है वह असल लाहौर शहर है जितना उन्होंने गुरु नानक दफन है। उन्होंने यह मंशूर है कि जब भी खालिस्तान और बनासन सब तो पहले गुरु नानक वाली जगह पर कब्जा कर सन उस तो बाद पूरे लाहौर के अपने अंडर आनी तो फिर इंडिया ने बाकी जरा एरिया उसने कुछ जितना सिखन अक्सरीयत है वो सारा मिला ही था खालिस्तान बनासन। तो असने लोग जरे ने इन्ना की प्रमोट करने पे तो ये तुम्हें गुजारिश कर सकें कि ये जो चीज़ें प्रमोट ना करो कि अगर तकिया जाए यह हकीकत ही असने खिलाफ सी पाकिस्तान के खिलाफ सी। तो लेकिन असन एक कौम इतनी भोली कौम है कि आपने असल हीरो की तो भूल ही जानी है लेकिन जेडे ने हाथ जिन्हें असन ने मां भेन ने इज्जत लुटिया जो पाकिस्तान 1947 आजाद होया तो सब तो ज्यादा अगर मुसलमान औरतों ने इज्जत लुटिया गया तो उन्हें सिखा लुटिया सन। तो इस अलावा बादशाही मस्जिद के अंदर रणजीत सिंह जरा काना सी उस अपने घोरे बदे सन तो उत्तर इतने जुल्म किए सन। मैरू निशा जी मुसलमाना की बेटी सी उस इतनी बहादुर बेटी सी कि हमेशा अपने नाल तलवार रखनी सी कुरान रखनी सी जब वो फौज से उस नसीहत की सी कि मारे नाल कुरान ते तलवार दफन कराए। तो जब रणजीत सिंह काना बादशाही मस्जिद आया सी उस उसने कब्र की खोदया सी उतों तलवार ते कुरान कढ़ी तो उस उन्होंने बेहरमती की सी। तो अस उन्हें सिखा के प्रमोट करने काइंडली सारे दोस्तों भैन भरा ये रिक्वेस्ट है कि कम अज कम कोई भी जो इश्यू होना है इंडिया में होना है या पाकिस्तान में होना है ठीक है इंसानियत के नाते तुम ठीक हो सी थोड़ा बुरा जानो लेकिन तपो कि उस बंदा जरा आसन ने कितने खिलाफ से जिसे खालिस्तान इन्होंने रियासत ना मनसूबा है टोटली पाकिस्तान अगेंस्ट है। लेकिन अस इस चीज़ की बिल्कुल ना समझने पे तो दूसरी तरफ जो असने कश्मीरी रहमान यासीन मलिक पिछले दिनों उन्होंने जो मुकदमा चलिया तो सोशल मीडिया पर एक बंदे भी उन्होंने बारे पोस्ट नहीं लाई है कि हाँ कि अस अपने असल हीरो की जानने ही नहीं हाँ। तो दूसरी तरफ तकिया उसी चंद दिन पहले भी एक इंडियन जो एक्टर वो फोत हुई जो पूरा सोशल मीडिया असल पाकिस्तान जो सोशल मीडिया से इस चीज़ में भरन गया कि उसने गम ही सारे बस परेशान हो गए सन कि वो मरी गई है। लेकिन चंद दिन पहले खत्म नबूत पर एक आशिक रसूल जैन जिसे कि कादियाने कत्ल करी छोड़ा सी असने एक बंदे भी उसने बारे पोस्ट नहीं लाई कि हाँ क्योंकि असने ईमान कमजोर हो गए शायद या फिर शायद अस इन चीज़ों की प्रमोट ना करना चाहने अस उ प्रमोट करना चाहने अगर जरा इंडियन प्रमोट करना चाहने। तो हमेशा अपने एक अलग तुसा नजरिया कायम रखो क्योंकि पाकिस्तान जरा दो कौमी नजरिए बनता सी अज तुसा अपने नजरिए पर चलो पाकिस्तान का जरा मकसद है उसी तरफ चलो लेकिन अज तुसा वह हिंदुओं की फॉलो करने हो तो शायद फिर पाकिस्तान ने हासिल करने का मकसद ही असल नहीं होया अगर तुम ये चीज़ कर सोता है। तो दूसरी तरफ बस ये असने दुआ है
कि मैं शाह पाकिस्तान में मुखलिस रहो तो जो पाकिस्तानी मुखालिफ को उनकी कुछ भी प्लेटफॉर्म पर प्रमोट ना करो। तो इंशाल्लाह मिलने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।